कुरान शरीफ के संबंध में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा दिए गए बयान को मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ रहा है, जिसको लेकर मनावर में शहर काजी डॉक्टर जमील व शहर सदर परवेज की निगरानी में मुस्लिम अवाम ने SDM व SDOP तथा थाना प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर वसीम रिजवी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। वहीं शहर सदर परवेज ने ज्ञापन में कहा कि कुरान शरीफ के 26 आयतों को हटाने के संबंध में वसीम रिजवी द्वारा दायर की गई याचिका निंदनीय कृत्य है। धार्मिक पुस्तकों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस कृत्य से देश की सामाजिक समरसता एवं अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है और हमारी मांग है कुरान शरीफ की 26 आयतों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने तथा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजें। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन मलून वसीम रिजवी के खिलाफ दिया है, जिसने कुरान मजीद जो हमारी एक मुकद्दस किताब है और जिसमें एक नुक्ते के बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती, ये हमारा ईमान है, उसकी 26 आयतों को उसने हटाने के लिए जो बात कही है उसके खिलाफ़ पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश है और उसी के खिलाफ़ आज हमने ज्ञापन SDM TI और SDP को दिया है। और हम महामहिम प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे, इसके लिए आगे कदम उठाए जाएं। Subscribe now to most exciting channel ever.